हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये आलू और प्याज के पकोड़े बनाएंगे। और इसके लिए हमने ये एक कटोरी बेसन लिया है और उसमें बारीक कटे हुए आलू और प्याज काट के डाल दिए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच आमचूर डाल देंगे, पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे, दो कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी है मैंने इसमें, और एक चम्मच नमक डाल देंगे। थोड़ा सा हींग पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, अब हम इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए अब हम ये पैन में घी गरम कर लेंगे। घी को अच्छे से गरम कर लें। घी को अच्छे से गरम करने के बाद ये मिक्स किए हुए आलू प्याज और बेसन, इसमें जो मसाले ऐड किए हैं, फिर इनसे हम बनाएंगे पकोड़े। देखिए फ्रेंड्स, पकोड़े बिल्कुल सूखे सूखे बनते हैं ऐसे बनाएंगे तो, और खाने में बहुत ही स्वाद लगते हैं। ये झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे तो पकोड़े बना लें। देखिए ये घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े बनने के लिए डाल देंगे। ये देखिए, आप छोटे बनाना चाहे तो छोटे बना सकते हैं, अगर बड़े बनाना चाहे तो बड़े बना सकते हैं। मैं थोड़े ही मीडियम साइज के ही बनाऊंगी। इनको साथ साथ उलटते जाएं ताकि ये एक साइड से दोनों साइड से सिक जाएं अच्छे से। देखिए इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये हल्के हल्के पकने लग गए हैं। देखिए ये
पकोड़े। देखिए कितने अच्छे कलर के हो गए हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। और इसको पकोड़े को लाल चटनी के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।